आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपकमिंग वीडियोस की अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चटपटे स्नैक्स। आज मैं आप लोग के लिए लेके आ चुकी हूँ एक एकदम ही डिफरेंट रेसिपी। आज मैं आप लोग के लिए लेके आ चुकी हूँ गुजरात का बहुत ही फेमस लाइव ढोकला की रेसिपी। तो ये बनता है दाल और चावल की मदद से, तो ये होता है बहुत ही ज्यादा पौष्टिक और आप चाहें तो इसे अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी लाइव ढोकला की रेसिपी। तो लाइव ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा बॉल ले लेंगे। इसमें हम डाल देंगे 3/4 कप उड़द की सफेद दाल। हम यहाँ सारी दालों की क्वांटिटी एक ही रखेंगे। 3/4 कप हम यहाँ डालेंगे चना दाल, 3/4 कप मूंग की पीली दाल और इसी के साथ में हमें इसमें डाल देंगे 3/4 कप चावल। और इन सब में हम डाल देंगे यहाँ पे सफिशियंट पानी, जिससे कि हमारी दाल अच्छी तरह से इनमें डूब जाए। अब हम इसे 3 से 4 बार अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद अब हम इसे पानी में भिगो के 3 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहे तो 4 से 5 घंटे भी भिगो सकते हैं। अब इसे हम भिगो देते हैं। तो चलिए, हमारी दाल को 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अब हमने इसे निकाल लिया एक मिक्सर ग्राइंडर जार में और इसमें डाल दिया है 1/2 कप दही, 4 to 5 टेबलस्पून पानी। आप ध्यान रखें, मैंने यहाँ दाल की क्वांटिटी हाफ ली है, यानी मैंने यहाँ इसमें 3/4 कप दालें भिगोई थी, लेकिन अब जो मैंने क्वांटिटी है यहाँ पे हाफ ही ली है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक प्लेट ही ढोकला बनाना है। तो चलिए, हमने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब इस बैटर में हम यहाँ डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। और अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। आप ये बात जरूर ध्यान रखें, मैंने यहाँ पे दाल का हाफ बैटर ही लिया है। तो चलिए, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए फेंट लेंगे। तो चलिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून इनो और भी इनो को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। आप ये बात जरूर ध्यान रखें, एक बार इनो डालने के बाद हम इसे ज्यादा मिक्स नहीं करते हैं, यानी कि हम इसे ज्यादा फेंटेंगे नहीं, सिर्फ एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे करेंगे स्टीम। तो स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ढोकले वाली प्लेट रख दी है, इसे अच्छी तरह से ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया था। अब इस पे डाल दिया हमारा बैटर। अब बैटर डालने के बाद अब हम इस पर डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च पाउडर को अच्छी तरह से छिड़क देंगे और अब इसे बंद कर देंगे और अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। तब हमारे स्टीमर का ढक्कन हटा के एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा ढोकला बनके तैयार है कि नहीं। तो मैंने यहाँ नाइफ डाल के चेक किया और हमारा नाइफ एकदम क्लीन आया है। इसका मतलब हमारा ढोकला बनके एकदम तैयार है। तब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा गरम किया हुआ तेल। अब ध्यान रखें, आप यह तेल को गरम करके ही डालें। इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे और अब इसे स्क्वायर शेप में अच्छी तरह से कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हमारा लाइव ढोकला बनके एकदम तैयार है। आप इसे ऐसे ही गरम गरम सर्व करें, ये ऐसे गरम खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर आपको ये लाइव ढोकला की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ साथ ऐसी और भी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।